गाइस वेलकम टू माय चैनल ज़ारा ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुर्शिदाबाद जिला राजबाड़ी, एक राजा का किला है जो बहुत ही पुराना है और अभी खंडर में तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये किला पड़ता है। तो गाइस हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो हम यहाँ आए हैं या हमारे पीछे देख रहे हैं, ये किला आपके सामने दिख रहा होगा। बहुत ही पुराना किला है और ठीक इसके सामने बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर आता है। तो गाइस कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये अभी तो बंद है और ये दुर्गा पूजा के समय इसे खोला जाता है और इसके अंदर का नज़ारा हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये दुर्गा पूजा में ही खुलता है। तो आप हमको हमारे बैक कैमरे से आपको दिख रहा होगा, ये हम बाहर का ही आपको दिखा सकते हैं। आए और विजिट करें, ये वेस्ट बंगाल जिला मुर्शिदाबाद और ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर पे ये किला लगता है और बहुत ही पुराना किला है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले का ये किला है। बहुत ही पुराना ये किला है, एक बार विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ व्यवस्था है। और ये पीछे रहा हमारे जो पानी आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर लगता है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आर्मी कैंप भी है, ये देख रहे हैं। ये छोटा छोटा जो बिल्डिंग बना हुआ है, उधर वीडियो करने के अलाउ नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं कर सकते हैं, दूर से ही हम दिखा रहे हैं। वहाँ अपना आर्मी सोल्जर ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं। तो आइए बैक कैमरे से इंजॉय करते हैं वीडियो। दर्शक आते हैं और फोटो शूट करते हैं। अभी फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि दुर्गा पूजा में इसे पूरा खोला जाता है, इसलिए अंदर का हम सीन नहीं दिखा सकते हैं। ये सामने आपका ये जो सामने गेट है बड़ा सा, उसी ज़माने का, और ये दो तीन फ्लोर का बिल्डिंग है। अभी आप देख सकते हैं ये खंडर में, ऊपर से ये स्लैब जो छत है, राजा भोलानाथ का किला नीमती का, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर पे लगता है, तो है वेस्ट बंगाल। गाइस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। अब देख सकते हैं राजबाड़ी बोला जाता है, बहुत ही पुराने ज़माने का ये एक किला, जो खंडर में अभी तब्दील हो चुका है। मज़े की बात है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये किला है। दोस्तों एक बार विज़िट करें और यहाँ का खूबसूरत लुक और इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आने का बेस्ट समय है, अगर आप दुर्गा पूजा यानी दशहरा में आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दुर्गा पूजा में ही खोला जाता है। अभी फ़िलहाल बंद है ये, इसलिए हम आपको अंदर का लुक सीन नहीं दिखाने सकते हैं। अंदर आए, अंदर अगर उस समय आते हैं तो आपको बहुत राजा का जो पुराने ज़माने का उनके यूज करने वाली सामान है, वो आपके पास आपको देखने को मिलेगा। बगल में ही एक मंदिर है, शमशान घाट, जो गंगा नदी के किनारे है। आप विजिट करें और वहाँ भी आके देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीचों बीच ये नदी निकलती हुई, वो सामने जो पेड़ दिख रहा है आपको, बांग्लादेश जहाँ तक पानी आपको दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, मछुआरा लोग देख सकते हैं, इसी नाव पे बैठ के वो लोग मछली मारने के लिए ये नदी, गंगा नदी के अंदर जाकर और मछली निकालने का। गाइस कमेंट में बताइएगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
हम इसी तरह का वीडियो पुराने ज़माने का जो इतिहास है हम आप सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय एंड टेक केयर।